नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में आपको मैं बता दूं कि आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंडियन आर्मी इंडियन फोर्स अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू। दोस्तों, मुझे बहुत सारे यूट्यूब पे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, हमारे IVR नंबर से कॉल आती है कि स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू आपको कैसे बेनिफिट्स मिल सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू आप फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून की जो जानकारी है वो हमेशा रेगुलर बेसिस पे टाइमली मिले। हमारे स्कूल में बच्चों को आर्मी और एयरफोर्स के लिए तैयार किया जाता है, भर्ती की तैयारी करवाई जाती है बच्चों को। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनको NDA के लिए, और जो बच्चे पढ़ने में वीक होते हैं उनको सैनिक उनको हम लोग भर्ती के लिए तैयारी करवाते हैं। तो मेरे पास कई बार ऐसे सवाल आते हैं स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग इंडियन आर्मी में डायरेक्टली, आप लोग, मैं बता दूं, डायरेक्टली एज ए हवलदार स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। एज ए हवलदार यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोट दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट जो लिखा हुआ है कि जो बच्चे, जो कैंडिडेट्स, जो सोल्जर्स, जो कैडेट्स स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने स्टेट खेला हुआ है, नेशनल खेला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट खेला हुआ है, द लिस्ट ऑफ गेम्स एज एप्लीकेबल फॉर डायरेक्ट हवलदार एंट्री, मतलब अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स है, आपके पास टैलेंट है, आप चाहते हैं तो आप डायरेक्टली एज ए हवलदार और एज ए नायक सूबेदार आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हमारे स्कूल में जो बच्चे वीक होते हैं ना, उनको हम लोग क्या करते हैं, 9th क्लास से ही तैयारी करवाना स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास से ही आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए जो भर्ती होती है उसके लिए तैयारी करवाना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको बता दूं, जो एक हवलदार होता है उसकी जो सैलरी होती है मिनिमम 50,000 रुपए सैलरी होती है। तो आपको ये समझना है कि अगर आप भर्ती के थ्रू भी ज्वाइन करते हैं, डायरेक्ट 12th करके या डायरेक्ट 10th करके, अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं हवलदार के लिए या नायक सूबेदार के लिए आर्मी में स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू, तो आपकी जो मिनिमम सैलरी हो 50 से 60 हजार रुपए महीना मिनिमम सैलरी आपको दी जाएगी। गेम्स कौन से चाहिए, तो हवलदार के लिए कौन कौन से गेम है, आपके पास क्या है, एथलेटिक्स है, तो आपको समझना है एथलेटिक्स में जो जितने भी आपकी गेम्स होती है, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, ये सारी गेम्स है। इसके बाद आता है आपका आर्चरी, आपको मिलता है इसमें बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग। और क्रिकेट के लिए तो बहुत बच्चे होंगे, जो मेरा मानना है क्रिकेट का बहुत ही तगड़ा स्कोप है और बहुत लोग इंटरेस्टेड है। हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू तैयारी करते हैं। आगे चलते हैं, फुटबॉल, फेंसिंग, जिमनास्टिक, बॉडी बिल्डिंग, गोल्फ, हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी गेम्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड की गई है जिसके लिए आप डायरेक्टली तैयारी कर सकते हैं और अपने बच्चों को स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू तैयारी करवा सकते हैं। तो आर्मी में या एयरफोर्स में बच्चा अगर आपका तैयारी करता है स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू, बॉडी बिल्डिंग करता है, गोल्फ खेलता है, हॉकी खेलता है, हैंडबॉल खेलता है, जूडो खेलता है, कबड्डी खेलता है, और आपको बता दूं कराटे खेलता है, आपका रोइंग हो गया, स्विमिंग हो गया, स्क्वाश हो गया, शूटिंग हो गया, सेलिंग हो गया, टेनिस हो गया, टाइकोंडो हो गया, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, तो आप डायरेक्टली इन गेम्स में आप डायरेक्टली हवलदार रैंक के लिए आप डायरेक्टली स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू 10वीं और 12वीं के बेसिस के आधार पर, ग्रेजुएशन के बेसिस के आधार पर अपने बच्चे को फौज के लिए तैयारी करवा सकते हो। अगर हम लोग बात करते हैं नायक सूबेदार के लिए, तो नायक सूबेदार जो रैंक होती है वो ज्यादा होती है, सैलरी भी ज्यादा होती है, अलाउंसेस भी ज्यादा होते हैं। अब आपको समझना है इसमें कौन कौन सी गेम्स आपको मिल रही है। अगर आप डायरेक्ट नायक सूबेदार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एथलेटिक्स, आर्चरी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, फुटबॉल, फेंसिंग, जिम्नास्टिक, गोल्फ, हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, कबड्डी के आगे है काइकिंग, ये गेम कौन सी है आप लोग नेट पे गूगल पे जाकर के चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कराटे, रोइंग, स्विमिंग, शूटिंग, स्क्वाश, और इसके अलावा आपका आ गया सेलिंग, टेनिस, टाइकोंडो, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग, तो ये सारी गेम्स आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करती है। वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोगों को जानकारी हो, आप लोग ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जा करके डायरेक्टली www.joinindianarmy.nic.in पर जा करके फॉर्म
फौज में भर्ती की सारी जानकारी ले सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि जो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स में अपने बच्चों को डालना चाहते हैं, जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, वो लोग डायरेक्ट ऑफिसर रैंक के लिए एनडीए के लिए टीईएस यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके बच्चे अच्छे नहीं है वो आर्मी में डायरेक्ट हवलदार नायक सूबेदार स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू डाल सकते हैं। जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनका जो एडमिशन होता है वो दो तरीके से होता है, एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपके बच्चे आगे बढ़े, उनको फायदा मिले। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे बढ़े तो इन छोटी छोटी चीजों का आप लोग फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हमारा स्कॉलरशिप फॉर्म हर साल निकलता है, 31 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, फॉर्म भरवाइए। अगर आपका बच्चा पेपर क्लियर करता है तो आपके बच्चे को हमारे विद्यालय में फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। और जो बच्चे एससी एसटी ओबीसी वाले हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, आर्मी वाले हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इन इन पेरेंट्स को इन स्टूडेंट्स को हमारे स्कूल में सिर्फ 80,000 रुपए में पढ़ाया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।